डॉल्फिन लगेगा हम आप हम लोगों को आज नहीं, कैसे पढ़ाता है बताओ कहा क्या नाम है? हैं? और कस को बोलो क्या नाम है? अरे बताओ बताओ तुम्हारा क्या नाम है? Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. अच्छा एक तो गाना गा दो, एक तो अपना मन से, कोई भी गाना गा दो, हिंदी चाहे भोजपुरी. 1, 2, 3, go, go. 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 गाओ गाओ अरे गाओ यार हम भी गाते हैं तो हम उसके बाद गाएंगे ठीक ना चलो गाओ 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 गाना गाओ गाना सो हे गाइस आज के वीडियो में हम आए हैं ईटा भाटा पर जो कि जहां पर ईटा पर आता है और आज हम लोगों आज हम आप हम लोगों को आज अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है हम आप लोगों को बताएंगे ईटा कैसे पर आता है उसका प्रोसेस बताएंगे तो हम पहले आप लोगों के पास ले चलेंगे जहां से स्टार्ट होता है ईटा का छपाई वहां पर ले चलेंगे उसके बाद धीरे धीरे आप लोगों को प्रोसेस बढ़ाएंगे और बताएंगे कैसे ईटा पर आता है तो चलते हैं वीडियो में चल बता दो हाँ बता ऐसे बताओ बता बोलो नहीं, कैसे पर आता है बताओ बताओ कहाँ से कैसे ईटा पर आता है बताओ 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 चलो बता दो चुनिया का लग रहा है देखिए ये पहले माटी है और यहाँ से देखिए वो पानी है जो कि यहाँ से पानी जाता है और माटी को लोग इसमें पानी डाल करके उसको गीला करते हैं और गीला करने के बाद में यहाँ से ये ईटा जैसे इसका साचा होता है उसमें साचा में इसको ढाल करके और ईटा को छाप करके इस पर जो देख रहे हैं ये सब पसारा हुआ है ईटा पसराएगा पसराने के बाद में सूखेगा दो दिन चार दिन जितना दिन लगेगा इसमें तो उसके बाद वहाँ से वो देखिए ईटा है जो कि वहाँ पर देखिए कितना अच्छा से लाइन बाई लाइन इसको मतलब सजाया गया है और उधर से मतलब सजा करके रखा गया है जो कि अब वहाँ से लोग कपार पर या जो भी है वहाँ से ले जाकर और वहाँ उधर चिमनी के अंदर देख रहे हैं वहाँ चिमनी है ये पलटा रहा है अभी ईटा ये पलट रहे हैं पलटाएगा पलटाएगा फिर लगेगा लगेगा ठंड में जाएगा पकने के लिए कैसे होगा तो बता दें ये जो ईटा है वो सारे हैं वहाँ पे वो मतलब ये ईटा जो है दो से तीन दिन सूखने में लगता है और इसके बाद हो जाएगा तो वहाँ पर ये मतलब सरिया करके मतलब अच्छा से लाइन बाई लाइन ये रख देंगे और इसके बाद दूसरा कोई का प्रोसेस है यानी दूसरा कोई आदमी आएगा और यहाँ से वहाँ देख रहे चिमनी है वहाँ पर ले जाएगा और वहाँ पर ले जाकर ये उधर डलाएगा अंदर और उसके बाद आग लगेगा उसके बाद उसका प्रोसेस होगा तो वहाँ से फिर दूसरा आदमी का काम चालू होगा तो यही इनका प्रोसेस है